क्या आपने कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को सपने में देखा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे सपनों का क्या मतलब होता है, क्या यह कोई संकेत है या कोई भ्रम। सोते समय अक्सर हमें कई तरह के सपने आते हैं, कई बार हम ये सपने भूल जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल छोड़ जाते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का कुछ ना कुछ मतलब होता है। इस सपनों का संबंध हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं से होता है। कुछ सपने हमें आने वाली घटनाओं से आगाह करते हैं। कई बार हम अपने सपने में मृत लोगों को भी देखते हैं। जानिए मरे हुए लोगों को सपने में देखने का क्या होता है मतलब, और ये सपने किस बात का देते हैं संकेत, ये सपने शुभ होते हैं या अशुभ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यदि आपके घर का कोई सदस्य या फिर कोई दोस्त जिसकी मृत्यु रोग के कारण हुई हो और वह आपको सपने में स्वस्थ दिखाई देता है और हंसता हुआ दिखाई देता है, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। इस सपने का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति को किसी अच्छे स्थान पर जन्म मिल चुका है और वह व्यक्ति प्रसन्न है। यदि आपका कोई जानने वाला, मित्र, संबंधी आदि जिसकी मृत्यु हो चुकी है और वह आपको सपने में क्रोधित या फिर रोता हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब माना जाता है कि उसकी कोई अधूरी इच्छा रह गई है जो पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई है। या फिर ऐसे सपने का संकेत यह भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे कार्य को किए जा रहे हैं जो वह व्यक्ति नहीं चाहता। इस तरह से आपको हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, हम उससे आराम से बात कर रहे हैं और वह भी बहुत खुश है, तो इसका मतलब होता है कि आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होने वाले हैं और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। सपने में अगर कोई मृत व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, किसी विषय पर सलाह दे रहा है और उनकी बातें आपको स्पष्ट समझ आ रही हैं, तो इसका मतलब होता है कि उनकी सलाह मानने से आपको लाभ अवश्य होगा। कभी कभी हम सपने में मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं, वह हमसे कुछ बोल रहा होता है लेकिन हमें उसकी बातें समझ नहीं आती, तो यह सपना अच्छा नहीं माना जाता। यह सपना आपके जीवन में किसी अप्रिय घटना को दर्शाता है, ऐसे में आपको बहुत सावधान होना चाहिए।